नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में सत्ता परिवर्तन होते ही बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 17 साल बनाम 17 महीने के नारे दे दिए हैं और उनके इस नारे की काफ़ी चर्चा है। उन्होंने दावा किया है कि नीतीश सरकार ने जितनी नौकरियां 17 सालों में नहीं दी, उतनी नौकरियां मैंने महज 17 महीनों में दे दी। लेकिन जब यही सवाल सीएम नीतीश से पूछा गया तो उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि 2005 के पहले बिहार में क्या था, बिहार की जनता नहीं जानती है क्या, एक एक चीज मैंने बनाया है। यही नहीं, सीएम नीतीश ने ये भी दावा किया कि 2005 के पहले स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती थी और हमने ही शिक्षक बहाली किया है। तो सीएम नीतीश दावा कर रहे हैं कि तमाम काम हमने किया है। यही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि पूरे देश में पहली बार जनता को मुफ्त इलाज का काम उन्होंने ही शुरू किया है। सुनिए सीएम नीतीश ने किस तरह तेजस्वी यादव को जवाब दिया। कहाँ क्या हो रहा है तो आप लोग जानते हैं कि इन पर क्या जांच हो रही है और उनका जवाब क्या है और इस पर क्या हो सकता है, क्या होगा, ये तो उसी समय जो भी न्यूज जाता है तो देखते हैं। आप देखिए, हम लोग पूरे बिहार के विकास के लिए रात दिन काम में लगे हुए हैं, आज और आप लोगों से जो भी बिहार काम हो रहा है उसी को गौर से देखिए और उसी को प्रचारित करिए कि देखिए आपदा प्रबंधन के लिए भी एक एक काम हम करते रहते हैं। आप जानते हैं ना कि पहले आपदा प्रबंधन का तो कुछ नहीं था, आपदा प्रबंधन का काम ट्रांसफर हुआ सर्दे अटल जी के टाइम में तय हुआ, हम ही थे उसी ना शिक्षा हम तब सी में देखते थे, अब बाद में अलग हुआ, अब फिर यहाँ पर आए और आप जानते ही रहे कि कितना ज़्यादा डी 7 से क्या हुआ था 2007 और उसी समय से कितना ज़्यादा चारों तरफ किए और कितना एक एक चीज पर ध्यान देते हैं, लोगों को जानकारी भी देते हैं। तो आज भी हम इसीलिए जान बूझ कर ये ट्रैफिक बनाया है, जगह बनाया है, हम ही कहें यहाँ पर ताकि सब लोग बैठे एक एक चीज की जानकारी दे और इसको सब जगह खबर करें। ये दोनों तरफ आपका प्रबंधन विभाग था, आपका प्रबंधन प्राधिकरण पीछे पूरा, तो ये दोनों का सब काम देखने के लिए हम आए थे, नियम देखने के लिए। तो हमारा तो काम रात में यही न है, हमारा कोई दूसरा काम है। आप फिर आए हैं तो आप जानते हैं कि 10 तारीख को होगा महामहिम का राज्यपाल महोदय का भाषण होगा, दूसरा संबंध है और उसी दिन तय किया जाएगा बहुमत के लिए किया जाएगा, हो जाएगा और फिर 12 तारीख बजट बजट सब कुछ पेश किया जाएगा, चुप चुप तो यही चीज है उसी में लगे हुए हैं। लेकिन सबका जो अभी लोगों का है और एक्सपेंशन हो जाएगा सर, ईडी का जो शिकंजा है लालू परिवार या हेमंत सोरेन पर लगातार एक मिनट सर चुप चुप, अरे बोल जा रहा है ना, अरे ये माता हटा चार्जेस तो बहुत दिन से पहले से है और उस पर जांच कर रहा है, तो अगर चार्ज है कोई जांच कर रहा है तो क्या उसका मतलब है, ये सब बात पता चलेगा। सर आपने कास्ट कभी कभी कोई हमको कहने गया है कि उस पर ये है या उन लोगों ने कभी कहा है, इसीलिए तो जो कुछ भी आप ही लोगों के द्वारा न्यूज छपता है तो उसी के द्वारा जांच। राहुल गांधी ने कहा है कि कास्ट सेंसस जो आपने कराया उनके कहने पर कराया, इससे बढ़कर के कोई फालतू चीज है? आप कास्ट सेंसस कब हुआ आप जानते नहीं, आप भूल गए, आप बोलिए ना, हम तो 9 पार्टियों को बैठा करके किए और आप जानते हैं, आपको अच्छी बात है, नवाज 19 में और 20 में पूरे असेंबली में काउंसिल में सब जगह हम ये बात कहते थे, अब फिर 2021 में प्रधानमंत्री से भी मिलने गए
और उनको भी कहा तो वो तो वो लोग कह दिए कि चलिए अभी तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बाद में हमको हो गया था एक इनडायरेक्टली कि चलिए अपना करिए, तो हमने सबको बुलाया तो हमने किया है जी। उस समय तो अपोजिशन दूसरे तरफ था, उन लोगों को भी कहे थे, अल्ले भी कहे थे, और क्या होना चाहिए या अच्छी तरह नहीं जानते हैं कितने लोग किस काम को करेंगे, वो सब मेरा किया हुआ है ना जी। तो कोई अपना क्रेडिट से लेता रहता है, आज जितना काम किया, जितनी बहाली किए हैं, आई सब हमारा साथ निश्चय दो मैंने किया हुआ है, अब उसी के चलते कर रहे थे, कोई अपना क्लेम करता है, छोड़िए ना इस सब। अब इंडिया का गठबंधन का क्या होगा सर? नीतीश कुमार के 17 साल प्रभारी थे, एसपी यादव कह रहे हैं हमारे 17 महीने 17 साल प्रभारी है, हमने 17 महीने में बहुत रुपया है, ये किसका है? ये तो फालतू बात है, कितने लोगों को रोजगार मिलता है आप भूल गए पांच के बाद फिर से। अब पढ़ाई कैसी होती है सबको पता है, इन लोगों का राज जब था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था? आप तो बच्चा थे, आपको नहीं मालूम है, पूछिए कोई जाता था यहाँ से आगे जाता था, क्या स्थिति थी? आई बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बना है कोई था? ये तो जब हम आए हैं पांच से तभी ना शुरू किए जी। आज जो बच्चा है जो बाद में आया है उसको क्या पता है? तो सारा काम जो हम लोगों ने किया है 2005 से जब आए और 2006 से किए, आप बोलिए तो लोगों का जो इलाज होता था तो उसको पैसा देना शुरू किया, देश भर में कहीं था सबसे पहले 2006 में हम ही ने शुरू किए जी सबको इलाज के लिए पैसा देने का, और कितना ज्यादा पहले होता था याद नहीं है? एक महीना में कुल मिला करके 29, और अब कितना होता है, कितना हजार एक होता है, तो ये सब का कुछ था, कुछ काम था, ये पूरा सड़क था नहीं, हम लोग भी तो चलते थे अपने अपने इलाकवा में, पैदल ना चलते थे जी, केंद्र में मंत्री थे मिनिस्टर थे अपने इलाकवा में जाते थे, तब 12-12 घंटा घूमते थे नीचे पैदल चलते थे, आज कहीं अब पैदल चलना पड़ता है सर, इंडिया एयरलाइंस सुनिए हर जगह के हर तक बना दिए, अब तो हम जगह जगह देख रहे हैं, अब वो बन गया है उसका और एक्सपेंशन करेंगे, तो एक एक चीज देखिए, एक एक काम कराया हुआ है, लेकिन अब कीजिएगा क्या? हम जानते हैं भाई कि कुछ लोगों को पब्लिसिटी मिलती है, तो जो पब्लिसिटी देना हो दीजिए, लेकिन याद करिए ना कि केंद्र में थे तो कितना ज्यादा काम किए, और उसके बाद आप ये बताइए कि यहाँ पर आए हैं पांच से कितना काम किए, और अभी जो 7-2 का निर्णय था हम बीच में छोड़ करके पिछले 1.5 महीना से आए, हम ही ना बोले जी एक एक बात ये सब चीज हो रहा है और उसी को करवाते रहे, अब कोई कहता अपना तो मतलब है, और उसके पहले नहीं बहाली हुई, और टीचर की बहाली का मतलब है, और टीचर का कहाँ पढ़ता था पहले बोले तो, पहले कोई बहाली थी पढ़ता था, आप कितना पढ़ाए ही किया हुआ है ना जी, अब लड़का लड़की अरे गिर जाएंगे हम लोग, बोलिए ना 2006 में भी जो समूचा हम करते हैं, अब कोई बात दूसरे समूचा जो एक एक काम करवाया, कितना ज्यादा सब काम करवाए, तो जो भी कराया हुआ बोलिए, लेकिन कोई बच्चा ऐसे ही आप नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा, अब अपना कर दिया था आपने, गठबंधन की नींव सर आपने रखी थी, ये तो अपना कर दिया सब का ठीक है, हम बाद में हालत देख न लिए, हम तो कितना कोशिश कर रहे हैं, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था, आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी कुछ नहीं, हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, छोड़ करके हम अपना आ गए, तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए, अब सब दिन अधिग्रह लगे, सोच लीजिए खाली बिहार के विकास के काम में लगे रहते लगे रहेंगे सबके हित में, और आप लोगों का भी नमन कर रहे हैं।